अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि वो जन प्रतिनिधियों को मिलने वाली धनराशि आवंटित करें, जिससे कि वो लोग अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ लोगों को दूसरी सेवाएं भी कर पाएं। बसपा सांसद ने केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि चलो कोरोना महामारी के बहाने ही सही, सरकार देश की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है, और जहां तक लोगों की सहायता की बात है तो सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो जनता के पैसे से CSR फंड से ही ये सब कर पा रही है। एक मीडियाकर्मी द्वारा पूछे गए सवाल पर बसपा सांसद तल्खी से बोले कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप उनके द्वारा लिखे गए लेटर को ठीक से पढ़ लें, सब समझ में आ जाएगा। दरअसल एक सप्ताह पूर्व बसपा सांसद ने गजरौला स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान अपनी सांसद निधि से 5 करोड़ रुपए देने की बात कहते हुए एक लेटर जारी किया था, जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। उसी लेटर को लेकर मीडियाकर्मी ने सवाल उठाया तो बसपा सांसद कुंवर दानिश अली असहज हो गए और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहने लगे कि वो मांग करते हैं कि सांसद निधियां जारी कर दी जाएं, जिससे कि उन्हें लोगों की सेवा में लगाया जा सके। वो आज अमरोहा जनपद के गजरौला स्थित सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। हमने यहाँ देखा कि वैक्सीनेशन ड्राइव कैसा चल रहा है और लोगों को वैक्सीन लग रही है या नहीं लग रही है, तो कितनी लग रही है, यही सब चीज़ देखी। मतलब लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जितने लोगों को लग रही है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और ज़्यादा लोगों को लगना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। आज कितने लोगों को लगा था? 69 हाँ, कुल 100 लोगों को, 99 लोगों का आज वैक्सीनेशन हुआ सर। तो अब मतलब अमरोहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अगर केवल 99 लोगों का वैक्सीनेशन होगा, कल 80 लोगों का हुआ, आज 99 लोगों का हुआ, परसों 50 लोगों का हुआ, तो ये तो पंचवर्षीय क्या है, तो 10 वर्षीय योजना बन जाएगी वैक्सीनेशन की। और कोविड से लड़ना में सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक इलाज है मेजर, और अगर इतनी धीमी गति से वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा तो फिर हम कोविड से नहीं लड़ सकते। तो सर क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। सरकार से, प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोगों को हैरेस ना करें, जो आ रहा है उसका वैक्सीनेशन करें। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात है, गांव देहात का आदमी कैसे करेगा, शहर का पढ़ा लिखा आदमी स्मार्टफोन चलाना नहीं जानता बहुत सा, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश निकाला था कि 45+ वालों को भी ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन स्लॉट लेना पड़ेगा और तब वैक्सीनेशन होगा, उस आदेश को वापस करें। कुछ जगह डॉक्टर्स लोग अपने आप कर भी रहे हैं, तो मेरी ये अपील है जनता से भी और सरकार से कि जब तक वैक्सीनेशन ड्राइव की गति नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम कोविड से नहीं लड़ पाएंगे। ये खाली PR एक्सरसाइज करके कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा सांसद जी, एक सवाल ये है कि आपने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफ़ी डेथ हो रही है, क्या केंद्र सरकार से कोई टीप पहुँची वहाँ? देखिए, उसको हमने जो जिस दिन पत्र लिखा था उससे मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे दिन ही मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ AMU के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, और केंद्र सरकार एक्टिव हुई है उसमें, वो जांच कर रही है और चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हमारा काम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते, अपने क्षेत्र और अपने देश के लोगों की जो समस्याएं हैं वो उठाना, वो सरकार तक पहुँचाना, वो मैंने अपना कर्तव्य निभाया। क्योंकि मैं AMU कोर्ट का मेम्बर हूँ, इसलिए मुझे वो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने उस पत्र में डिमांड की हैं वो बहुत जल्द सब पूरी। अच्छा एक सवाल ये सांसद जी, आपने जो निधि के लिए कहा है, क्या अपने संसदीय क्षेत्र की निधि के लिए बात कर रहे हैं या प्रदेश या जितने लोग सांसद इस देश के अंदर हैं? ख्याल से आपने अगर वो पत्र पढ़ा होगा तो मैंने पूरे देश के लिए वो बात की, और मैं अपने क्षेत्र का जो मेरा हक है, मैं उस हक को व्यक्तिगत तौर पर मांग रहा कि जो मेरे क्षेत्र में विकास का पैसा लगना चाहिए
वो मेरे क्षेत्र में लगना चाहिए, ना कि गुजरात में लगे या बम्बई में लगे। मेरे क्षेत्र का जो हक, अब यहाँ जितनी हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि मिल करके, लोकल प्रशासन के अधिकारी मिल करके काफ़ी हद तक जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है। मान लीजिए ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं तो वो CSR फंड का है, वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं वो डोनेट कर रही हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं वो डोनेट कर रहे हैं। सरकार से तो मेरे ख्याल से 10 वेंटिलेटर आए, वो भी अधूरे हैं, वो भी नहीं चल रहे, वो भी बीच में रुक जाते हैं।